आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या मकई की रोटी खाने से मोटापा इनक्रीज होता है। तो बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछते हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को फिट रखना है या फिर वेट लॉस करना है कि वो मक्की की रोटी खा सकते हैं। तो बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो भी कहते हैं कि आज हमारे घर में मक्की की रोटी बनी हुई है, हम खा लें। तो इसका जो डाउट है वो आपसे मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों मैं हूं नव, आपका फिटनेस कोच, एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल नव फिटनेस। सभी दोस्तों का बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मक्की की रोटी हमारे इंडिया या फिर पंजाब में, मतलब किसी भी स्टेट में एक फेवरेट फूड होता है। मक्की की रोटी बड़े चाव से खाई जाती है, स्पेशली पंजाब में सरसों का साग एंड मक्की की रोटी साथ में देसी घी, लस्सी या बटर पाकर अच्छे से खाई जाती है। तो रही बात वेट गेन होने की, तो वेट गेन होना या वेट लॉस होना डिपेंड करता होता है हमारी ओवरऑल कैलोरीज पर। तो हमारा जो वेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो BMR होता है, वो एक निश्चित होता है हर एक बंदे की हाइट एंड वेट के हिसाब से या फिर मेल या फीमेल के हिसाब से। अगर आप एक्सेस कैलोरीज फ्रॉम आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है उससे या ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं, मतलब कि आपको रिक्वायर्ड कैलोरीज है 2000, अगर आप 2500 कैलोरीज दिन में कंज्यूम करते हैं वो किसी भी चीज़ से हो, चाहे वो मक्की की रोटी से हो, कन की रोटी से हो, चाहे फिर किसी भी हेल्दी फूड से या अनहेल्दी फूड से हो, तो आपका जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करके उन कैलोरीज को बर्न नहीं करते। तो अगर आप कैलोरीज डिफिसिट में, मतलब कम कैलोरीज खाते हैं, मतलब 2000 कैलोरीज की आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप 1500 कैलोरीज खाते हैं तो आपका जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें ये पहले मैटर करता है कि आपकी बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। दूसरे नंबर पे जो मक्की की रोटी होती है उसमें एक रोटी में अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 150 से लेकर 200 तक, 250 तक, मतलब साइज के हिसाब से कैलोरीज हो सकती है। अगर आप दो मक्की की रोटी खाते हैं तो आपको 350 से लेकर 500 तक कैलोरीज आपकी बॉडी को मिलती है। तो ओवरऑल आप दिन में सारा खाना पीना खाकर साथ में मक्की की रोटी खाते हैं तो आपकी जो कैलोरीज है, मान लो 2000 की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कैलोरीज 1800 तक रह जाती है तो आपका कोई वेट बढ़ेगा नहीं, तो आपका जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली मेंटेन ही रहेगा। अगर आप डिफिसिट में वो खा लेते हैं, मतलब कि दो की जगह आप एक मक्की की रोटी खाएंगे, आपकी कैलोरीज हो जाती है लगभग 1500, तो आपका वेट जो है कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि आपने मक्की की रोटी खाई जस्ट उससे ही आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप हेल्दी डाइट खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साथ में अपनी कैलोरीज का भी ध्यान रखते हैं, तो आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो आप मक्की की रोटी खाकर भी अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं एंड अपना वजन कम भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपका वजन उससे बढ़ना लगा। तो एक दूसरी चीज होती है जो कनक होती है, जो गेहूं वगैरह होता है, उसमें ग्लूटन होता है जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो अगर आपको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है या बॉडी अनफ्लेम है, फूली फूली है, वाटर पफी है बॉडी, तो आप कनक की जगह, मतलब कि गेहूं की जगह मक्की की रोटी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसमें आपको क्या फायदा होगा कि ग्लूटन फ्री आपको रोटी मिलेगी जिसके साथ आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होगी, वाटर टेंशन आपकी दूर होगी एंड आपके वजन कम करने में भी ये हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये थी मक्की की रोटी के ऊपर वीडियो, क्या मक्की की रोटी खाने से हमारा वजन बढ़ता है। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका जो डाउट क्लियर हो गया या फिर भी आपका कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप लाइक करना, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।